नमस्कार फ्रेंड्स, एसएससीजीडी कांस्टेबल के फिजिकल चल रहे हैं और काफी सारे विद्यार्थी पास हो रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा कि फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कब होगा, मेडिकल टेस्ट कब होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेडिकल की डेट आपको बताएंगे और वहां पर जो जवान आपके फिजिकल करवा रहे हैं वो मेडिकल की डेट क्या बता रहे हैं। चलिए पूरी जानकारी देख लेते हैं क्या क्या आपके मेडिकल में चेक होगा। दोस्तों, इसी प्रकार से एसएससीडी कांस्टेबल की पल पल की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन वाले बटन को भी ऑन जरूर कर दीजिए, ताकि अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों, आगे पूरी जानकारी देखने से पहले आपको वाटर एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं, जिसके जरिए आप आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं। आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं, आपको बिगिनियर, इंटरमीडिएट, एडवांस अलग अलग कोर्सेज मिलते हैं। आप अपना पहला कोर्स स्टार्ट करो, फिर आपको इस ऐप का बोट चैटिंग के जरिए इंग्लिश सिखाएगा। अगर आपको चैटिंग में कोई भी वाक्य समझ में ना आए तो आप उसे अपनी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके भी देख पाएंगे। और फ्रेंड्स, यहां पर एप्लीकेशन में आप एक्सपर्ट्स के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश और भी ज्यादा जबरदस्त हो जाएगी। तो जबरदस्त एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब फ्रेंड्स, बात आती है आपकी मेडिकल डेट की। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बात आते हैं कि मेडिकल में क्या क्या चेक हुआ। देखिए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससीडी का है, मेडिकल एग्जामिनेशन है, इसके अंदर पूरी जानकारी दी गई है। यहां पर लिखा हुआ कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेडिकल में चेक होंगे। इनमें नॉर्मल आपकी दसवीं की मार्कशीट है, जाति प्रमाण पत्र है, इसके अलावा आपका मूल निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये तमाम सर्टिफिकेट आपको दिखाने होंगे। लेकिन दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेडिकल की, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कभी अलग से वीडियो बना देंगे। अगर मेडिकल की बात करें तो सबसे पहले आपका मेजर पॉइंट है आई साइट। जी हां फ्रेंड्स, आपकी आई साइट बिल्कुल सही होनी चाहिए। एक दोस्तों, कई विद्यार्थियों में डाउट होता है कि अगर चश्मा है तो चलेगा या नहीं चलेगा। ये देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट परमिटेड इवन बाई ग्लासेज। यानी कि आपका चश्मा के द्वारा जो आप थोड़ा मोड़ा आपका विजुअल करेक्शन होता है वो सही कर लेते हो तो वो नहीं चलेगा, यानी कि चश्मा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आई साइट कितनी होंगी वो यहां बताया गया है, 6x6 बेटर मानी जाएगी और खराब है 6x9। अब दोस्तों, बात आती है आई साइट्स के अलावा, तो यहां पर देखिए जनरल गाइडलाइंस। यहां पर दोस्तों एक बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया गया है, बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं। अगर दोस्तों बात आती है टैटू की, क्योंकि टैटू को लेकर काफी सारे विद्यार्थियों के मन में सवाल होता है, ये देखिए टैटू को लेकर स्पेशल यहां बताया गया है कि फॉलोइंग कैटेगरीज हैज बीन फिक्स्ड टू परमानेंट। यहां पर जो आपके टैटू हैं वो चल सकते हैं, कौन कौन चल सकते हैं। एक तो देखिए कंटेंट, यहां पर यह बताएगा कि कैसा टैटू हो तो चलेगा। यहां बताया गया टैटू डिसमिसिंग रिलीजन सिंबल, यानी कि कोई आपका धार्मिक चिन्ह है वो, और फिगर्स कोई आकृति हो, त्रिभुज हो, इसके अलावा आपकी आयत हो, एंड द नेम कोई नाम है वो, एज फॉलोड इन इंडियन आर्मी टू बी परमिटेड, ये आपके चल जाएंगे, ये मान्य होंगे। इसके अलावा लोकेशन की बात करें तो जो आपकी लोकेशन के टैटू होते हैं वो भी दोस्तों चल जाएंगे। लेकिन यहां पर दोस्तों साइज की एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आपका टैटू है वो 1x4 साइज का ही होना चाहिए जो आपका पार्ट है। जैसे मान लो आपका टैटू आपके हाथ पर है, दाहिने हाथ पर है, बाएं पर है, तो आपका जो हाथ है उसका 1x4 साइज का ही टैटू हो। ऐसे नहीं कि पूरे हाथ को ही रंगा रखा है, वो नहीं चलेगा। 1x4 से कम है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कैसा भी पार्ट हो और कैसा भी टैटू हो, लेकिन टैटू धार्मिक चिन्ह, नाम या फिर कोई आकृति है तो ही चलेगा, इसके अलावा कोई और चीज है तो नहीं चलने वाली है। इसके बाद में दोस्तों यहां पर देखें आपका ये सी नंबर का पैराग्राफ है, इसमें अलग अलग पॉइंट बताए गए हैं, ये आप देख लीजिए। दोस्तों पूरी जानकारी मेडिकल की है, ये आप पढ़ सकते हो। अगर हम इन सभी को पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ये किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आप कमेंट करके बताना कि आपको फुल वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, हमने आपको मेजर इंपोर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं। अब दोस्तों बात आती है मेडिकल की डेट की। तो दोस्तों देखिए, जो जवान आपके फिजिकल करवा रहे हैं, काफी सारे विद्यार्थियों से हमने कहा था स्पेशल कि आप फिजिकल पास होने के बाद उन जवानों से पूछना, स्टाफ से पूछना कि सर हमारा मेडिकल कब होगा, वो आपको बता देंगे। दोस्तों उन्होंने यही बताया कि आपका मेडिकल है ये फिजिकल खत्म होने के बाद में 1 महीना लगा देगा। यानी कि दोस्तों आपका फिजिकल खत्म हो रहा है सितंबर लास्ट में, सितंबर का 1 वीक बचेगा, उसे आप छोड़ दीजिए, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद में आप 1 मंथ लगा लीजिए, यानी कि अक्टूबर, तो आपका मेडिकल अक्टूबर के बाद में होगा। यानी कि अगर एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो आपका फिजिकल के बाद में मेडिकल है वो लगभग नवंबर महीने में आयोजित करवाया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन से जुड़े अगर और कोई सवाल आपके उनमें है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, आपको उनका आंसर जरूर दिया जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से एसएससीडी कांस्टेबल के आगे पल पल की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिए। वीडियो चल गया तो लाइक करना, ताकि हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।